लेटर देखने वाले हैं, लेकिन सब उससे भी पहले एक बात मुझे को आपको बताने रह गए बताना था जो रह गया पिछले दो तीन लेक्चर में। ये जो नंबर हम बार बार यहाँ पे देख रहे हैं सर, CIN नंबर, मतलब आपको ऐसे ही लिखना है, क्या होगा, कैसे होगा सर, ये है क्या, वो तो बता दो पहले। तो दोस्तों ये रहा इसका इन्फॉर्मेशन, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे कहा जाता है, लिख लो लगता है तो, राइट, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे कहा जाता है। और ये कितने डिजिट का है, क्या है, मैं दोनों कंपैरिजन आपको बताऊंगा। चलो हर एक लेटर में कुछ नया नया सीखते हैं। डिविडेंड के पहले लेटर में बेसिक का डिस्कशन ज्यादा था, तो इस लेटर में मैंने सोचा कुछ नई बात आपको बता दो। देखो यहाँ पे, देखो पहले बात तो ये वाली इंफॉर्मेशन कॉमन है, सेंडर का लेटर, कंपनी का नाम गुरु ऑटो लिमिटेड यहाँ पे ले लिया इन्होंने, उनका एड्रेस दे दिया है, एड्रेस तो सेम है करके, राइट, मतलब सेम मतलब कि वो इजी है समझने को। बट ये जब CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो था वहाँ पे, उसको अब इस लेक्चर में बहुत अच्छे से सुनो तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्या नंबर दिया है, L40103MH1999PLC300479। सर आपने बहुत ना वो दिख नहीं रहा है करके वो रफ कर दो, नहीं ठीक है। चलो भाई अब देखो ध्यान से, क्या था, L40103MH1999PLC300477। इसका कोई मतलब है अपने मन से सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दे, नहीं, ध्यान से सुनिएगा क्या है करके। यहाँ पे L क्या डिनोट करता है कि लिस्टिंग स्टेटस क्या है कंपनी का। ये जो नंबर है L के बाद जो पांच नंबर आते, गिनो तो पांच नंबर 27100 पांच डिजिट हुए क्या, यहाँ पे पांच डिजिट है क्या, 40103 पांच नंबर है। तो L कोई भी आगे पांच नंबर लिख देना, जरूरी नहीं आप सेम लिखो, लेकिन L के बाद पांच नंबर होने चाहिए। क्या यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर हो गया क्या दोस्तों अभी, एवरीवन यस और नो, हाँ सर करके नाउ, तो ये पांच डिजिट नंबर डन, आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद MH स्टेट कोड, महाराष्ट्र की कंपनी है, इसी वाली आपने क्या लिखा, MH लिखा, क्या यहाँ पे भी है क्या सर, MH है सर, कोई दिक्कत नहीं। देन आफ्टर चार नंबर आए 1907, आप 1 2 3 4 लिखो, 9999 लिखो, समझ में आ, लेकिन चार नंबर लिखने, वो क्या डिनोट करते हैं, इनकॉर्पोरेशन ईयर 1907 में इनकॉर्पोरेशन हो गया था, सॉरी तो 1 2 3 4 नहीं लिखते, लिख सकते सर 2004 2005 2010, तो यहाँ पे 1907 में कंपनी क्या हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, समझ में आया क्या। MH के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है सर, कि कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी करके। तो यहां तक डन है सर, CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको यहां पे हर कंपनी के नीचे कंपलसरी लिखना था हर लेटर में, पिछले जो लेक्चर हुए वहां पे भी मैंने कहा था CIN नंबर, और यहां पे आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उसका मतलब क्या है, तो रटना ना पड़े आपको। L के बाद पांच नंबर डिनोट क्या करते वो बताया, MH क्योंकि महाराष्ट्र की कंपनी, कोई गुजरात में लिख रहा है तो जो GJ लिख देगा, राइट, राजस्थान में लिख रहा है तो RJ, जो भी आपका कोड रहेगा, राइट। देन अफ्टर ईयर, उसके बाद जो चार नंबर है वो ईयर डिनोट करते 2005 2006 2010, जहाँ पे आपकी कंपनी इस्टेब्लिश हुई सर, अपने हिसाब से लिख देना, ओके, सिर्फ उसी साल मत लिखना, नहीं 2020 का पर सर अभी रजिस्टर करते, नहीं नहीं 10-15 साल पीछे, अब 2000 से 2010 के बीच में कोई भी ईयर लिख देना। नाउ PLC क्या है सर, ये PLC डिनोट प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद कितने नंबर है, 6 नंबर है 000260 अ कंपनी नंबर, और यहाँ पे देखते हैं क्या PLC है, और क्या तीन डिजिट नंबर है क्या सर यहाँ पे भी, हाँ सर यहाँ पे भी तीन डिजिट नंबर है 300477, राइट, तो ये सिक्स डिजिट नंबर हो गए, सॉरी। तो समझा आपको, CIN नंबर एक बार देख लो, लगता है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो इस चीज का, लेकिन ये वाला नॉलेज आपको रखना बहुत जरूरी है, CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, सबका ये चीज क्लियर हो गया है क्या एवरीवन, यस सर। चलो लेटर के बारे में बात कर ले अब थोड़ा, हाँ सर ज्ञान की बात तो हो गई, तो CIN नंबर कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में आपको